नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? और आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी है। इसमें थोड़ा एक काला डिब्बा, ब्लैक बॉक्स, आज हमारे पास है ब्लैक बॉक्स। ये 24/7 GSM 24/7 है। दोबारा से बोल देता हूँ, GSM 24/7। ये जो सेलर है भाई, उन्होंने हमको ये ब्लैक बॉक्स भेजा है। अब इसका सबसे पहले हम देखते हैं अनबॉक्सिंग, ये कैसा होता। यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपको अच्छा से रिस्पांस नहीं मिला होगा कि क्या है क्या नहीं है। इस ब्लैक बॉक्स की हम बनाएंगे दो वीडियो। फर्स्ट वीडियो तो ये रहेगी कि अनबॉक्सिंग कैसा होता कैसा नहीं है। दूसरे नंबर पर रहेगा कि इसे कैसे यूज करते हैं, क्या काम करता है, इसमें कुछ बेनिफिट है लेना या नहीं लेना, या क्या चीज़ है, सारी चीज़ की बात करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो रहेगी सिर्फ ब्लैक बॉक्स अनबॉक्सिंग की रहेगी कि कैसा है कैसा नहीं। वीडियो मैंने मोस्टली यूट्यूब पे देखी है, खाली इमेजेस देखी है, लेकिन किसी के पास नहीं था और ब्लैक बॉक्स की कोई वीडियो भी नहीं थी। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अनबॉक्सिंग तो हमने इस बॉक्स की कर दी। जब भी आप इस बॉक्स को, मतलब ब्लैक बॉक्स को परचेज करोगे, तो मतलब इस पे सिंपल सा ये पूरा ब्लैक है और इस पे दो चीज़ें, बस ब्लैक बॉक्स लिखा हुआ और भी कोई नई चीज़ लिखी नहीं हुई। एक चाइनीज लैंग्वेज में कुछ छपा हुआ और बाकी शायद एंड्रॉयड इस पे लिखा हुआ, बस यही नाम है और तो कुछ है नहीं। शायद तितली सी एक छपी हुई है और इस पे, मतलब ये मार्ट बियर वालों का है। और देखते हैं, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो खाली बॉक्स की ही वीडियो या कुछ इमेजेस देखी होंगी, तो आज हमारे हाथ में बिल्कुल ही फाइनल ही ब्लैक बॉक्स है। तो इसकी फुल टेस्टिंग वीडियो, Oppo और Realme और Vivo पे कैसे काम करता है, इसकी एक फुल टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। और ये जो हमें बॉक्स भेजा गया वो GSM 24/7 जो है, उन्होंने मुझे भेजा, जो सेलर है उन्होंने मुझे भेजा ये। और नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में पूरी वेबसाइट अगर वगैरह लिंक है, जो भी अगर कोई आपको किसी भाई को बाय करना हो तो बेशक कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हो। और इसकी फुल टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीका से समझाएं। और जब जैसे ही आप इसको ओपन कर दें, तो इसमें मतलब एक सिंपल सा ये पूरा एक बॉक्स है इस तरीका का। इसमें कोई ऐसा, मतलब कोई नॉर्मली बहुत सारे अडेप्टर्स हैं और बहुत सारी इसमें लाइटें हैं और एक LG 3500 जैक है, एक इंडिकेटर्स, ठीक है, ये हैं। और ये छोटी छोटी जो ये बत्ती है ना, शायद ये भी इंडिकेटर्स ही हैं, जैसे आप देख रहे होंगे आपके सामने होगा बिल्कुल ही, ठीक है। और पीछे की साइड में इस पर एक, ये देखो, बहुत सारी केबल्स के वो दिए हुए हैं, स्विचेस दिए हुए हैं। और इसके साथ में जैसे कि ये एक ऐसी बहुत सारी सेंसर्स पीसेज हैं, जैसे सेंसर्स आप देख रहे होंगे, जैसे स्क्रीन पे लगाना पता नहीं, पर हम तो फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करेंगे, देखते हैं कि ये कैसा रिस्पांस होता है, इसका क्या है क्या नहीं है।
पूरा चेक करते हैं। और इसके साथ में एक कुछ केबल्स आती हैं ये स्विचेस टाइप की, और जो भी होगा इसे पूरी तरीका से अनलॉक करना कैसे है कैसे नहीं पूरा बताएंगे। और आपने वीडियो तो देख ही ली होगी इसकी अनबॉक्सिंग की, और बहुत जल्दी और इसकी फुल टेस्टिंग वीडियो जो आएगी इसकी, मैंने बताया कि दो वीडियो बनाएंगे हम, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने ये बना ही दिया कि अनबॉक्सिंग कैसा है क्या नहीं है, और पार्ट टू में हम ओप्पो रियलमी के फ़ोन इससे अनलॉक करके देखेंगे कैसे होता कैसे नहीं होता। अगर किसी भाई को बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर सकते हो। अगर किसी भाई को कोई भी स्पेयर पार्ट, सेपरेटर मशीन, हॉट मशीन, ईयर मशीन, कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह वगैरह कुछ भी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना उस वीडियो को कोई भी, और बहुत सस्ते दामों में अच्छी चीज़ है। कोई भी आप ग्लू या कोई पेस्ट वगैरह वगैरह कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे और नए नए एक्साइटेड के साथ में, और ठंड बहुत ज़्यादा है नहीं है पता नहीं, ये तो आप अपने अपने इलाके में पता होगा, पर हमारे इलाके में बहुत कम ठंड हो चुकी है बाकी, ठीक है भैया जी। और सभी को जय हिंद।